नमस्ते दोस्तों, काफी दिनों से आपकी कमेंट्स आ रही थी कि सर आप और ज्यादा वीडियो बनाइए। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, और आज हम देखेंगे डिजाइन ऑफ काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, यानी कि डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल का टॉपिक यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। यहाँ डेटा हमें दिया हुआ है, डिजाइन एंड डिटेल काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल फॉर द फॉलोइंग डेटा। एंगल ऑफ रिपोज दिया है 30 डिग्री, यूनिट वेट ऑफ सॉइल है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, हाइट ऑफ वॉल अबव ग्राउंड लेवल है 7 मीटर, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी बेस एंड दी सॉइल है 0.55, यूज M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील। तो ये सब डेटा हमें दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल की। अगर आपने कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की डिजाइन नहीं देखी है तो पहले आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की डिजाइन देखें, उसके बाद आप काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल की डिजाइन देखें, क्योंकि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, वो दोबारा मैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो दूसरी बार मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ रिपोज हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, जो यहाँ दिया था। कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर हमें मिलेगा के इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 5 से। 5 की वैल्यू है 30 डिग्री, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू मिलेगी 1 डिवाइड बाय 3, और कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू हमें मिलेगी 3। अब हम प्रिलिमिनरी डायमेंशंस चेक करते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल यानी कि गेमा की वैल्यू हमें दी हुई है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, SBC यानी कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हमें दी हुई है 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। SBC ऑफ सॉइल है 180, यूनिट वेट ऑफ सॉइल है 16, 1 माइनस साइन 5 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 5 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मिलेगी 1.25 मीटर, यानी कि हम 1.3 मीटर लेंगे। अब हम बेस वेट फाइंड करते हैं। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में हम बेस वेट एक फॉर्मूला था, उससे हम फाइंड करते थे। यहाँ हम काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल में बेस वेट की वैल्यू 0.6 × H यानी कि ओवरऑल हाइट से लेके 0.7 × H के बीच में लेंगे, या हम 0.65 लेते हैं। ग्राउंड लेवल से हाइट ऑफ वॉल हमें दी हुई है 7 मीटर, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमने फाइंड किया 1.3 मीटर, यानी कि ओवरऑल हाइट होगी 7 + 1.3 यानी कि 8.3 मीटर। तो यही वैल्यू हमने ली है 8.3 मीटर। अब हम 0.65 × 8.3 करेंगे तो हमें बेस विड्थ की वैल्यू मिलेगी 5.4। इसी तरह मैक्सिमम टॉय विड्थ मिलेगी 1/3 × बेस विड्थ, जो होगी 1.8 मीटर। यह है बेस विड्थ 5.4 मीटर, और यह है टॉय विड्थ 1.8 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, ये वाला पोर्शन। थिकनेस ऑफ बेस स्लैब की वैल्यू हम H/15 से लेके H/20 के बीच में लेते हैं, तो हम H/15 और H/20 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 553.33 से लेके 415 mm के बीच में, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे थिकनेस ऑफ बेस स्लैब 500 mm। अब हम स्पेसिंग ऑफ काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल फाइंड करेंगे, दो काउंटर फोर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होगी वो फाइंड करेंगे। फॉर इकोनॉमिकल डिजाइन द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द काउंटर फोर्स मे बी डिटर्मिनेट बाय द रिलेशन एल इज इक्वल टू 3.5 × H/γ रेस्ट टू 0.25। इस रिलेशन की मदद से हम क्लियर स्पेसिंग फाइंड करेंगे। द काउंटर फोर्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड एट 3 to 4 मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। जनरली 3 to 4 मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर काउंटर फोर्स प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ हमारी वैल्यू आ रही है 2.97 मीटर, यानी कि हम 3 मीटर लेंगे। अब हम प्रोवाइड करेंगे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ काउंटर फोर्स 3 मीटर। अब हम थिकनेस ऑफ स्टेम फाइंड करते हैं नियर बेस और टॉप का। टॉप
टॉप से लेके बेस स्टेम तक की हाइट होगी 7.8 मीटर, क्योंकि ओवरऑल हाइट है 8.3 मीटर, माइनस हम 0.5 मीटर करेंगे थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, स्मॉल एच की वैल्यू हमें मिलेगी 7.8 मीटर। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ स्टेम हमें मिलेगा के इंटू गेमा इंटू एच से। के की वैल्यू हमने आगे फाइंड की थी 1/3, गेमा की वैल्यू हमारे पास है 16, स्मॉल एच की वैल्यू हमने फाइंड की 7.8 मीटर, तो हमें प्रेशर एट द बॉटम ऑफ स्टेम मिलेगा 41.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल की मोमेंट हम कंटिन्यूअस बीम की मोमेंट की तरह ही फाइंड करेंगे। जो हम फाइंड करेंगे SP16 में टेबल नंबर 12 से, जो पेज नंबर 36 में दिया हुआ है। हमें सपोर्ट पर मोमेंट फाइंड करनी है, तो हम सपोर्ट मोमेंट्स देखेंगे एट अदर इंटीरियर सपोर्ट्स पर, जो होगी -1/12। और मिड स्पेन मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें स्पेन मोमेंट्स में देखना पड़ेगा टेबल में, उसमें एट मिडल ऑफ इंटीरियर स्पेन देखेंगे, जो है +1.16। पर आरपी रेथड़िया सर की बुक में 1/24 लिया हुआ है मिड स्पेन मोमेंट। एज पर आईएस 456/2000 के हिसाब से टेबल नंबर 12 में हम देखते हैं तो 1/16 ही आ रहा है, तो मेरे हिसाब से सही है 1/16। जीटीयू में जनरली आरपी रेथड़िया सर की बुक ही रिफर की जाती है, और पेपर चेक करने वाले भी मोस्टली आरपी रेथड़िया सर की बुक ही देखते हैं। जीटीयू की बात कर रहा हूं मैं, जीटीयू में जो है गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आउट ऑफ गुजरात स्टेट के स्टूडेंट को जीटीयू के बारे में आई थिंक पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ, जीटीयू यानी कि गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो आप एक बार कंफर्म कर लेना अपने सर से। तो मैंने यहाँ 1/24 ही लिया हुआ है, क्योंकि पेपर चेक करने वाले भी यही बुक देखते हैं। और एक बार आप अपने क्लास टीचर से कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से 1/16 ही आएगा। यहाँ मैंने प्रैक्टिस के लिए 1/24 लिया है, जो आरपी रेथड़िया सर ने लिया है अपनी बुक में वही लिया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आप पेपर में इस तरह से लिख पाओ जो बुक में दिया है। और जीटीयू के अदर यूनिवर्सिटी वाले 1/16 लेकर ही मिड स्पेन मोमेंट फाइंड करें, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगी -WL²/12। तो यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करेंगे, एल यानी कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ काउंटर फोर्स, तो हमें मैक्सिमम मोमेंट मिलेगी -31.20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसे हम फैक्टर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -46.80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। SP16 में पेज नंबर 10 में टेबल नंबर सी में हमें ये वैल्यू दी हुई है। यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करेंगे। MU की वैल्यू हमें मिली थी 46.80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू एमएम में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10^6 किया हुआ है इज इक्वल टू 0.138 मल्टीप्लाइड बाय एफसी के, जो 20 है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर करेंगे, जो हमें फाइंड करना है। तो हमें इफेक्टिव डेप्थ डी की वैल्यू मिलेगी 130.22 mm। फॉर सीयर क्राइटेरिया प्रोवाइड लार्जर डेप्थ एट 2 टाइम्स, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 250 mm। हम अज्यूम करते हैं इफेक्टिव कवर 50 mm का, यानी कि ओवरऑल डेप्थ हमें मिलेगी 250 + 50, यानी कि 300 mm। ये बेस ऑफ स्टेम की विड्थ हमें मिल गई। अब हम प्रोवाइड करेंगे टॉप ऑफ विड्थ 200 mm। यह है टॉप ऑफ स्टेम की विड्थ और यह है बेस ऑफ स्टेम की विड्थ जो हमने फाइंड की। यह है हिल विड्थ जो हमें मिलेगी, बेस विड्थ माइनस टॉय विड्थ माइनस बेस ऑफ स्टेम विड्थ करेंगे तो हमें हिल की विड्थ मिल जाएगी। तो यही किया है 5.4 -1.8 -0.3, यानी कि 3.3 मीटर।